हेलो एवरीवन आई एम मोनिका शर्मा टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर थर्ड सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स पार्ट टू दिस इज द चैप्टर ऑफ क्लास क्लास एथ साइंस ओके आई हैव बीन ऑलरेडी कवर्ड सम ऑफ द पैराग्राफ्स ऑफ दिस चैप्टर मैंने कई चीजें इसमें से कवर कर ली थी ठीक आज इसका नेक्स्ट पार्ट है ये ठीक है एक शॉर्ट रिविजन करते हैं देखो मैंने क्या क्या बताया था नेचुरल फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स में मैंने क्या बताया था आपको फाइबर्स दैट वी ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स जो फाइबर्स हमें प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं डायरेक्टली उसे क्या बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉटन रुई ठीक है सिल्क लाइनन वूल यानी कि ऊन कॉयर ये सब क्या है ये सब एक नेचुरल फाइबर है ठीक है सिंथेटिक फाइबर क्या होता है विच इज मेड विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम वुड कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स अब आपको नाम से ही मालूम चल रहा है मैन मेड यानी कि जिसे हम बनाते हैं किस प्रोसेस के थ्रू केमिकल्स के थ्रू ठीक है और ये बनते किससे है वुड से मतलब लकड़ी से या फिर कोल से ठीक है कोल का एक आपने टाइप देखा होगा कोयला ठीक है वो कोल का ही टाइप है एग्जैक्ट कोल नहीं होता ठीक एंड देन पेट्रोलियम पेट्रोलियम आप आप पता है आपको ठीक है जो जमीन से निकालते हैं ये सब क्या है इन सब से जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू फाइबर्स मिलते हैं या फिर बनाए जाते हैं जो मैन बनाता है उसे बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर एग्जाम्पल्स क्या है इसके जैसे रेयन हो गया नायलॉन पॉलिएस्टर ये सब सिंथेटिक फाइबर हैं अब सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ाया था कल अपन ने फाइबर्स मेड बाय मैन आर कॉल आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स जो मैन बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं इसमें क्या होता है मल्टीपल यूनिट्स होते हैं ईच ऑफ विच इज अ सस्ते हैं और इनमें से हर एक यूनिट एक केमिकल सब्सटेंस होता है ठीक है फिर मैंने समझाया था ये आपको लीनियर पॉलीमराइजेशन और क्रॉस लिंक पॉलिमराइजेशन जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है लीनियर पॉलीमराइजेशन क्या होता है जो हर एक यूनिट है उसको मोनोमर बोलते हैं लीनियर में भी और क्रॉस लिंक में भी हर एक यूनिट को क्या बोलते हैं मोनोमर और ये मोनोमर जब मिलके लीनियर वे में पॉलीमर फॉर्म करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं पॉलीमराइजेशन मेथड ठीक है ये मोनोमर्स है और ये क्या है पॉलीमर है पॉली का मीनिंग क्या होता है मैनी और मर का मीनिंग क्या होता है यूनिट पार्ट ठीक और क्रॉस लिंक में आपको दिखाई दे रहा है इसमें जो मोनोमर्स है वो क्रॉस लिंक क्या है अटैच है इसलिए इसको क्रॉस लिंक बोला ठीक अब देखो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े पॉलीमराइजेशन क्या होता है पॉलीमराइजेशन मोनोमर से पॉलीमर बनाना ठीक है सिंपल लैंग्वेज में मोनोमर से पॉलीमर बनाना क्या है पॉलीमराइजेशन है ठीक टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स क्या है जैसे रेयन हो गया ठीक रेयन क्या होता है ये सिल्क की तरह ही दिखता है लेकिन ये चीपर होता है सिल्क से सिल्क क्या है सिल्क नेचुरल फाइबर है मैंने कल भी बताया था आपको सिल्क की साड़ियां देखी होंगी आपने सुना जरूर होगा ठीक है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है तो इसलिए रेयन बनाया गया रेयॉन क्या है मैन मेड है और ये सिंथेटिक फाइबर है ठीक ये क्या होता है चीपर देन सिल्क सस्ता होता है सिल्क से और ये वुड पल्प से बनाया जाता है ठीक है प्रॉपर्टीज क्या है प्रॉपर्टी सेम एज लाइक सिल्क ठीक है सिल्क के जैसी ही है लेकिन ये गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता ठीक है एबल टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम हीट ठीक डोंट एबल कु एबल ठीक कुड नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम हीट मतलब कि ये हीट से बॉडी को नहीं बचा सकता ये प्रॉपर्टी होती है इसकी किसकी रेयन की यूजेज ऑफ रेयन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बताया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री आने की कपड़े की इंडस्ट्री ठीक इसके अलावा जैकेट्स बनते हैं ट्रैक सूट्स बनते हैं जैसे कि ये ट्रैक सूट आपको दिख रहा है ये किससे बना है ये रेयन से बना है कल मैंने आपको नायलॉन के भी बारे में बताया था क्या है फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर है ये ये साइंटिस्ट ने किस में बनाया लैब में बनाया है ठीक है एन वाई फॉर न्यूयॉर्क एंड एलोएन फॉर लंडन मतलब एक ही समय पे ये बनाया गया था और एक ही समय पे ये पॉपुलर हुआ है न्यूयॉर्क और लंदन में इसलिए इसका नाम क्या है नायलॉन है एंड वाई फॉर न्यूयॉर्क और एलोएन फॉर लंडन ये टोटली मैन मेड फाइबर है मेन प्रॉपर्टीज क्या होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है बहुत ज्यादा बहुत जल्दी सूख जाता है और ये इसलिए ये स्विम सूट बनाने में भी यूज होता है जल्दी से धो सकते हैं इसको और ये रिंकल फ्री होता है रिंकल फ्री यानी कि इसमें सिकुड़न नहीं आती है इलास्टिक इन नेचर होता है और हाईली ड्यूरेबल होता है इलास्टिक इन नेचर यानी कि किसी भी चीज को आप इलास्टिक को आपने देखा होगा उसको खींचो और वो बहुत जल्दी अपने जगह पे आ, ज, आ जाती है इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ठीक है तो ये इलास्टिक इन नेचर होता है इसलिए बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी होता है ठीक जैसे सॉक्स इसके बनते हैं रोप बनता है ठीक है रोप मैंने कल दिखाया था आपको कर्टेन भी बनाए जाते हैं ठीक है इसी तरह से क्या होता है पॉलिएस्टर होता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये नायलॉन की तरह ही होता है ये एस्टर का क्या है पॉलीमर है एस्टर का पॉलीमर यानी इसलिए इसको क्या बोला पॉली पॉलीमीन्स मैनी मैनी एस्टर्स को अपन ने जोड़ दिया बहुत सारे एस्टर जो हैं उनको एक साथ जोड़ दिया तो बन गया पॉलीएस्टर ठीक है यानी इसका मोनोमर क्या है एस्टर है एस्टर जो यूनिट है उसको बहुत सारी यूनिट्स को एक साथ जोड़ा तो पॉलिएस्टर बन गया ठीक है इसका एक एग्जाम्पल क्या है टेरिलीन है टेरिलीन को टेरिलीन ही बोलते हैं ठीक है थीके? हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये पॉलिएस्टर का एक टाइप है अब इसकी प्रॉपर्टीज किसकी तरह है नाइलॉन की तरह है पॉलिएस्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है इलास्टिक होता है एब्जॉर्ब वेरी लिटल वाटर बहुत कम वॉटर को सूखने की क्षमता रखता है बहुत जल्दी इसको धो सकते हैं बहुत अच्छे से और ये बहुत जल्दी सूख जाता है रिंकल फ्री होता है और स्प्रिंग बैक इंटू सेप वेन सीज्ड क्रीज्ड मतलब इसको जब आप मोड़ोगे तो ये बहुत ही जल्दी अपने सेप में जो ओरिजिनल सेप था उसमें आ जाता है यूजेज ऑफ पॉलिस्टर क्या है अर्लीस्ट यूज ऑफ पॉलिएस्टर वॉज द मेक टू पॉलिएस्टर क्लोथ्स पॉलिएस्टर क्लोथ्स बनाने में होता है इसके अलावा पॉलिकॉट के जो कॉटन मतलब जो कपड़े बनाए जाते हैं उसमें भी होता है पॉलीवूल बनाने में होता है ठीक है एक तरह का कॉटन है पॉलीकॉट उसको बनाने में पॉलीबूल ठीक है ऊन ठीक इसी से बनता पॉलिएस्टर से बनता है पॉलीवूल याद रखना ये सिंथेटिक वूल है मतलब सिंथेटिक ऊन है ये नेचुरली नहीं मिलता ठीक है ये किससे बनता है ये पॉलीएस्टर से बनता है इसके अलावा वाटर बॉटल फिल्म और सेल ऑफ सेप ठीक है ये सब भी किससे बनते हैं पॉलिएस्टर से बनते हैं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और ड्यूरेबल होता है अब एक्रिलिक पढ़ा था एक्रिलिक भी क्या है मैनमेड फाइबर है वूल वूल सो इट इज नोन एज आर्टिफिशियल ये क्या है ये वूल को वूल यानी कि ऊन को रिसेम्बल करता है ठीक है इसलिए इसको आर्टिफिशियल ऊन भी बोलते हैं आर्टिफिशियल ऊन यानी कि जो मैन मेड हो जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू बने ठीक है या फिर इसको सिंथेटिक वूल भी बोलते हैं सिंथेटिक ऊन ये चीपर होता है बहुत ज्यादा सस्ता होता है नेचुरल वूल से और बहुत जल्दी सूख जाता है इसको वेरियस कलर्स में भी किया जा सकता है ठीक है मतलब कि बहुत सारे रंगों में भी किया जा सकता है अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ऊन की तरह ही होती है बहुत ज्यादा गर्म होता है सॉफ्ट होता है लाइट होता है और फ्लेक्सिबल होता है मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी इससे कपड़े बनाए जा सकते हैं ठीक है जो गर्मी के कपड़े होते हैं वो गर्मी के कपड़े यानी कि जो ठंड में पहने जाए ठीक है एक्रिलिक इज रेजिस्टेंस टू मोथस एंड केमिकल्स एक्रिलिक इज इजी टू वॉश एंड राइट क्विकली ये भी बहुत जल्दी धोया जा सकता है इजिली धोया जा सकता है इसको और ये सूख भी बहुत जल्दी जाता है यूजेज ऑफ एक्रिलिक क्या है कल बताया था मैंने क्राफ्ट क्राफ्टयान अब देखो क्राफ्ट क्राफ्टयान का मतलब क्या होता है इस तरह के टॉयज आपने देखे होंगे मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो ये किसके बनते हैं ये के ही बनते हैं ठीक है ऑनिंग आपने देखा होगा मतलब कि एक तरह का ये छत जैसा ये आपने कई घरों में भी देखा होगा मेरे घर पे भी है तो ये क्या है ये किससे बना हुआ है ये एक्रेलिक से बनता है ठीक है व्हीकल कवर ये आपने जो कार्ड जिससे कि आप कवर करते हो ठीक है ये भी किससे बनता है एक्रिलिक से या फिर बोट सेल बोट सेल यानी कि ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है ना ये किससे बना है ये एक्रिलिक से बना है ये क्या है ये यूजेस है एक अब देखो एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर क्या है इट एब्जॉर्ब मच लेस वाटर एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर लाइक वूल और कॉटन अब आपने देखा होगा आप ऊन देखते हो ठीक है वो अधिकतर जो आप पहनते हो वो सिंथेटिक ऊन ही होता है लेकिन अगर आप देखोगे ऊन जो नेचुरल ऊन होगा या फिर कॉटन होगा कॉटन यानी कि रुई आप ले लो ठीक है सिंपल जो आपके घर में रुई रखी है वो ले लो तो अगर आप उसको देखोगे और उसपे पानी डालोगे या फिर उसको पानी में डालोगे तो आप देखोगे कि वो बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है पानी को सोख ले रहा है ठीक है मतलब नेचुरल फाइबर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं पानी को एज कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर ठीक है तो इसमें क्या लिखा है एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर मतलब इट एब्जॉर्ब मच लेस वाटर यह बहुत कम पानी सोखता है एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर लाइक वूल और कॉटन ठीक है नेचुरल फाइबर की तुलना में बहुत कम पानी सोखता है इट इज स्ट्रांगर मोर इलास्टिक एंड मेक्स टफ एंड ड्यूरेबल फैब्रिक ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है इसमें मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता आप खींचोगे इसको बहुत ज्यादा तो भी ये टूटेगा नहीं ठीक है इलास्टिक होता है मतलब कि बहुत ज्यादा खिंच जाता है और अपनी जगह पे वापस बहुत जल्दी आ जाता है ठीक है इसलिए ये बहुत ज्यादा टफ होता, होता है और बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है ड्यूरेबल यानी कि बहुत समय तक चलने वाला ठीक है इट इज करल कलर रजिस्टेंस एंड डू नॉट ब्लीड कलर वेन वॉस्ट ये क्या होता है ये कलर रजिस्टेंस होता है मतलब कि इससे कलर को नहीं निकाला जा सकता और जब आप इसको धोगे तो क्या होगा ये कलर नहीं छोड़ता ठीक है कल मैंने नायलॉन की आपको रोप दिखाई थी रस्सी दिखाई थी उसको आप धोगे तो क्या उसका कलर निकलेगा नहीं ना तो मतलब डो नॉट ब्लीड कलर वेन वॉस्ट इट रिटेन्स द क्रीज गर एंड डो नॉट रिंकल मतलब ये वापस आ जाता है अपने जगह पे अपनी पोजिशन में बहुत जल्दी और इसमें रिंकल्स नहीं आते रिंकल्स यानी कि सिकुड़न नहीं होती इसमें इट कैन हैंडल हैवी लोड्स विदाउट ब्रेकिंग ये बहुत ज्यादा लोड को हैंडल कर सकता है मतलब कि बहुत ज्यादा भार को ले सकता है आप देखते हो आप जो रस्सी यूज करते हो उसको कितने बड़े बड़े बोरे पे बांधा जाता है लेकिन वो टूटती नहीं है ठीक है खुल जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं उसकी नॉट खुल जाएगी उसकी गठान खुल जाएगी लेकिन वो टूटेगी नहीं ब्रेक नहीं होती जल्दी इट इज लेस लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू नेचुरल फाइबर और ये बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है नेचुरल फाइबर्स की तुलना में डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर के इट कैचेस फायर इजली एंड इज इजिली इनफ्लेवेबल मतलब ये बहुत जल्दी आग कैच कर सकता है और बहुत जल्दी जलता है इट मेल्स ऑन हीटिंग एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट अब देखो इसके क्लोथ्स बनाए जाते हैं जो सिंथेटिक फाइबर के होते हैं तो अगर ये फायर बहुत जल्दी कैच कर रहा है मतलब आग बहुत जल्दी पकड़ रहा है और ये क्या होता है अगर हीट इसको दी जाएगी गर्मी दी जाएगी तो ये मेल्ट हो जाता है पिघल जाता है और जो कपड़ा जो व्यक्ति पहना हुआ होगा उस बॉडी में ये चिपक जाएगा स्टिक हो जाएगा ठीक है, कॉजेस सेवरल बर्न इंजरीज और ये कपड़े जो पहनते हैं उनको सेवरल बर्न इंजरीज भी हो सकती है यानी कि जलने के कारण जो चोट लगती है वो ठीक है सीवियर हो सकती है जिससे कि उनकी जान भी जा सकती है ठीक है अब देखो अब प्लास्टिक के बारे में पढ़ते हैं प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस ये ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से बना है मीनिंग कैपेबल ऑफ बींग सेव्ड और मोल्डेड यानी कि ये किसी भी शेप में ये कैपेबल है किसी भी शेप में और मोल्ड होने में ठीक है किसी भी शेप में आने में यानी कि किसी भी आकार में इसको किया जा सकता है और इसको मोड़ा जा सकता है मोल्ड किया जा सकता है इट कैन बी रिसाइकल्ड कलर्ड री मोल्ड और ड्रॉन इनटू वायर्स इसको रिसाइकल किया जा सकता है इसमें कलर किए जा सकते हैं रिसाइकिल मतलब कि फिर से उसी चीज को जैसे कि एक प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को कई तरह के प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो रिसाइकलेबल होते हैं एग्जाम्पल क्या है जो आप दूध का पैकेट देखते हो तो उसमें देखना ऊपर लिखा रहता है रिसाइकलेबल ठीक है 100% परसेंट रिसाइकलेबल मतलब कि उसको रिसाइकिल किया जा सकता है मतलब फिर से उसी रूप में उसी पॉलिथिन को बदला जा सकता है ठीक है इसमें कलर किया जा सकता है ठीक री यूज हो सकता है मतलब कि फिर से यूज कर सकते हैं मोल्ड मोल्ड हो सकता है मतलब मोड़ सकते हैं और इसको वायर में भी चेंज किया जा सकता है वायर यानी तार में ठीक है दस प्लास्टिक इज यूज इन मेकिंग टॉयज, सूटकेस बैग्स, कैबिनेट ब्रशेस, चेयर्स, केबल्स एंड मैनी अदर इसलिए इसका यूज टॉयज बनाने में होता है खिलौने बनाने में सूटकेस बनाने में बैग्स बनाने में कैबिनेट्स बनाने में ठीक है ब्रशेस, चेयर्स ठीक ब्रश तो आपको पता है चेयर्स कुर्सी बनाने में ठीक है टेबल बनाने में और बहुत सारे आइटम हैं, जो काउंटलेस हैं, जिसको गिनती नहीं की जा सकती इन सब मटेरियल में एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है दे आर मेड ऑफ पॉलीमर्स और ये सभी किससे बनते हैं पॉलीमर्स से बनते हैं पॉलीमर का मीनिंग बता दिया पॉलीमीज मैनी मरमीज यूनिट ठीक डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक आर मेड बाय यूजिंग क्रूड ऑयल नेचुरल गैस लाइम स्टोन एंड सोल्ट कई तरह के प्लास्टिक कई चीजों से बनते हैं जैसे कि क्रूड ऑयल से बनता है मतलब कच्चा तेल से जो कि जमीन के नीचे से निकालते हैं ठीक है नेचुरल गैस ठीक है जो जमीन के नीचे से निकलती है लाइमस्टोन लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर और सॉल्ट से भी बनता है सॉल्ट यानी कि आपका नमक इट कैन बी मेड एज हार्ड एज स्टोन ये इतना हार्ड होता है जैसे कि ये पत्थर हो एज ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट भी होता है ट्रांसपेरेंट यानी कि आर पार दिखता है जिससे एज ग्लास जैसे ग्लास होता है ठीक है कांच होता है एज लाइट एज वुड जैसे कि एक लकड़ी ठीक है एंड एज इलास्टिक एज रबर और जितना इलास्टिक रबर होता है उतना ही इलास्टिक प्लास्टिक भी हो सकता है इलास्टिक का मीनिंग बताया कि आप उसको खींचो और वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए जितनी जल्दी आ जाए वो चीज उतनी ही ज्यादा इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी उसमें उतनी ही ज्यादा होती है दे आर रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर एंड डिके और ये मतलब मॉइस्चर कंटेन नहीं करता और मतलब बहुत जल्दी खराब नहीं होता क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक अब देखो प्लास्टिक टू टाइप्स के होते हैं एक होता है थर्मो ठीक है और आगे भी मैं बताऊंगी अभी ठीक है थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ठीक ये दो टाइप के होते हैं देखो यहाँ टेफलॉन कुकवेयर का डायग्राम है ठीक है और ये है बेकेलाइट ठीक है इसका एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगी अभी जो आप रोज यूज करते हो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है आर दोज प्लास्टिक दैट कैन बी रिपीटेडली हीटेड एंड मोल्डेड इन टू एनी डिजायर प्लेस मतलब कि आप इसे कितनी भी बार हीट करो और कितनी भी बार मोल्ड करो किसी भी शेप में ठीक है मतलब कितनी भी बार इसको गर्म किया जा सकता है और कितनी भी बार इसको मोल्ड किया जा सकता है मोड़ा जा सकता है किसी भी शेप में पॉलीथिन पॉलिएस्टर पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलिप्रोप्लीन आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक जैसे कि पॉलीथीन आप देखते हो ठीक है तो ये वो क्या है वो एक थर्मोप्लास्टिक है सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपके आंखों के सामने ही होता है पॉलीएस्टर अभी पढ़ा अपन ने ठीक है टीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड फुल फॉर्म याद रखना है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीप्रोप्लीन ये सब किसका क्या है एग्जाम्पल्स है थर्मो के ऑन द अदर हैंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिकॉफ्ट अगेन ऑन हीटिंग अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं वो प्लास्टिक जिनको एक बार गर्म किया जाए और वो सॉफ्ट हो जाए वो नरम हो जाए और किसी एक सेप में चेंज हो जाए एक शेप में यानी एक आकार ले लें लेकिन जब उन्हें फिर से गर्म किया जाए तो वो सॉफ्ट नहीं होते वो नरम नहीं होते और इसका एग्जाम्पल क्या है जो कुकर का हैंडल देखते हो ना आप वो है जो कुकर का हैंडल है वो भी क्या है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेकेलाइट एंड टेफलॉन आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो कुकर का हैंडल होता है वो बेकेलाइट होता है ठीक है और टेफ्लॉन आपको पता है ये है टेफलॉन ठीक है जिसमें तेल ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता खाने में दे कैन मेंटेन देयर सेप एंड साइज इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर और इनका सेप यानी कि आकार और साइज जो है ये चेंज नहीं होता है वेरी हाई टेम्परेचर पे भी ठीक है सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास थैंक यू